मोटर से पता ही चल रही है सर। 2 किलोमीटर हाँ सॉरी दो बता दूंगा, ये नंबर मेरा सेव कर ले ठीक है, फिर मुझसे रابطہ रखिएगा। ओके सलाम। नहीं नहीं वो कर लेंगे ऑफिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आली सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। मोहतरम नाज़रीन किराम, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, इस वक्त मैं इस्लामाबाद से 2 घंटे के सफ़र के बाद नौशहरा से गुजर कर यहाँ बोर्ड देख रहे हैं, रिलीफ कैंप बराए मुतासरीन। 36 लाख से ज़्यादा मुतासरीन जो बेचारे अपने घर बार को छोड़कर यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके लिए खाने का सामान नहीं है, परेशानियों में घिरे हुए हैं। या बोर्ड देख रहे हैं कि इसमें देर, सवात, बुनेर, बाजोड़, ये जल्लोज़ई का इलाका है और ये जल्लोज़ई का रिलीफ कैंप है। अभी थोड़ी देर के बाद हम वहाँ चलेंगे और आपको वहाँ मैं दिखाऊँगा कि वो किस मुसीबत और मुश्किल हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम तो यूरोप की सरजमीन पर बड़ी आसान ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से शुक्र करना चाहिए रब्बुल आलमीन का। लेकिन ये लोग जो बेचारे अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर आबाद हैं और अपना घर नसीब नहीं है और कैंप्स में रह रहे हैं, तो इनकी खिदमत के लिए मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि इनको भी माह रमज़ान मुबारक में खुशियाँ दी जाएँ, ईद की खुशियाँ दी जाएँ। और आपसे गुजारिश करूंगा कि इनकी हमने खिदमत करनी है।
से पहले CFA से थे, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ के बाद हमारे 21 मतलब इंटरवेंशन से। तो अभी इस वक्त जो है अभी वुमेन का सेशन है, तो उसमें क्या वुमेन्स को क्या तरबियत या क्या ओ LSB जो लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन है उनको देते हैं, पेरेंटल स्किल्स पे देते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग पे देते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे देते हैं, मुख्तलिफ डेज के लिए मुख्तलिफ सेशन दे प्लानिंग है, तो वो आपको वहाँ पर फुली गाइड कर सकते हैं। अभी एट द मोमेंट क्या वहाँ पे सेशन अभी हो रहा है, सिर्फ लेडीज जा सकते हैं, लेडीज जा सकते हैं। तो हम फिर जब कंसर्न CPM है वो आपको देखेंगे, हम मर्द हजरात जो हम लोग हैं फिर इधर साथ कोई टाइम हमारा बच जाएगा ना, लेडीज इधर जाएंगे हम इधर के साथ। ठीक है, नहीं वो है ना दो तीन वो उधर जाना, हम लोग जो फिर हम तो उधर दूसरी विजिट करते हैं। सही, ठीक है, हाँ जी नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मैं पिशावर से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव पर नौशहरा से आगे जल्लो जई के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सारे जो है ना वो मुहाजरीन के और रिफ्यूजीज़ के यहाँ टेंट लगे हुए हैं, अक़वामे मुत्तहिदा ने ये टेंट फराहम किए हैं। अभी हम इन टेंट्स का जो है वो अंदर से देखेंगे कि क्या ज़रूरियात हैं और क्या चीज़ें इन्हें चाहिए। इस वक्त इनको शेल्टर मुहैया किया जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो टेंट है गर्मी कितनी शिद्दत की है और अंदर जो मासूम बच्चे हैं इस वक्त, तो उनका हाल आप देखिएगा कि वो किस तरह से गर्मी की शिद्दत है। और ये छोटा सा बच्चा आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो हम अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या 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 नाम है? ये पश्तो में बोलेगा, उर्दू में बोलता है? अच्छा उर्दू बोलता है। आपका क्या नाम है, नाम क्या है? नाम इसको नहीं आया, उर्दू नहीं आता। नाम आया नाम आया ये नाजरीन कराम आप देख रहे हैं कि ये छोटा सा मासूम बच्चा है, यहाँ इस टेंट में रह रहा है, कभी अपने घर में रहा करता था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये इस वक्त यहाँ टेंट में है। और इसके पाँव में आप जूता भी देख लीजिए और कपड़े देख लीजिए कि कपड़े की हालत क्या है। तो अगर हाँ आप लोग यूरोप के बसने वाले मुसलमान जिनको अल्लाह पाक ने नेमतें दी हैं, इस वक्त आप ठंडे मौसम में हैं, लेकिन ये बच्चा मासूम जो है इस वक्त गर्मी की शिद्दत में है। ये टेंट है लेकिन टेंट के अंदर बिजली नहीं है और इसी तरह से इनके लिए ठंडक का कोई सामान नहीं है। अगर आप हजरा यहाँ पे 36,000 अफराद मौजूद हैं, तकरीबन मुझे बताया गया कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में ख़वातीन हैं, छोटे बच्चे हैं, इनके लिए दूध का इंतज़ाम ख़ास तौर पे 1 से लेकर 3 साल तक के बच्चों के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं गर्मी की शिद्दत में ये मासूम बच्चा है, तो इनकी अभी हमने खिदमत करनी। आप हजरा से गुजारिश करूँगा कि अपने एहतियात जो है यहाँ पर पेश कर सकते हैं। जलोजई कैंप में मौजूद हूँ। नाउ हियर इज़ विद मी देयर इज़ एक्सपर्ट हु विल टॉक अबाउट द वॉश फैसिलिटीज़ विच प्रोवाइडेड बाय द यूनिसेफ एंड इंशाल्लाह देन लेटर ऑन आई विल टॉक एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दैट। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ सैनिटेशन का ये है कि जलोजई कैंप के जो एंटायर IDPs हैं उन सबको वाटर सैनिटेशन की फैसिलिटी यूनिसेफ की मदद से दी जा रही है, लोकल पार्टनर्स के मदद से। यहाँ पे हम तकरीबन 12,17,000 लीटर ड्रिंकेबल वाटर मतलब पीने के काबिल पानी रोज़ाना के हिसाब से दे देते हैं। किस तरह से पहुँचाते हैं आप? इसमें कुछ फेजेस ऐसे हैं, तकरीबन 6 फेजेस जिसमें नेटवर्क के हवाले से इनके ज़रिए से हम प्रोवाइड करते हैं। नेटवर्क फाइव नेटवर्किंग है और टैंक के ज़रिए, और 2 फेजेस में तकरीबन 2400 फैमिली ऐसे हैं जिनको हम टैंक के ज़रिए पानी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो नए आए हैं उनको हम टैंक के ज़रिए प्रोवाइड करते हैं पानी, जो लोग पहले से जहाँ रह रहे हैं साल दो से, तो उनको हमने यूनिसेफ ने मतलब सोर्सेज डेवलप किए हैं, ट्यूबवेल्स बनाए हैं, नए ट्यूबवेल्स जो तकरीबन 500 फीट तक डीप हैं,
और उसके जरिए पानी प्रोवाइड किया जाता है। जो टैंक आप रोजाना पानी यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मुझे बताया गया कि वो जो टैंक है वो जरूरियात को पूरा नहीं करते। या मैंने कुछ जो यहाँ पे बसने वाले लोग हैं तो वो ये कुछ कह रहे थे टेंट में रहने वाले कि पानी की जो सहूलत है वो हमें प्रॉपर मुहैया नहीं की जा रही। देखिए, पानी का ये लोग जहाँ से आए हैं वहाँ पे पानी का कोई हिसाब किताब नहीं है। जितना मर्जी इस्तेमाल कर ले, इस पर कोई कैद नहीं है। मतलब छीने हैं, चश्मे हैं और मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे जो इमरजेंसी का स्टैंडर्ड है उसका है 15 लीटर पर पर्सन, फी कस 15 लीटर के हवाले से पानी दिया जाता है पर डे। लेकिन हम यहाँ पे 22 लीटर हम दे रहे हैं गर्मी के हवाले से और लोगों के इसरार के जवाब में। तो मेरे ख्याल में ये अपने जो इमरजेंसी का स्टैंडर्ड है उससे भी ज़्यादा दिया जा रहा है। अगर कोई कह रहा है कि भाई पानी कम है तो वो तो फिर कोई भी किसी को भी कम कह सकता नहीं। तो आप टैंक कुछ ज़्यादा कर सकते हैं ना? बस लगे हमारी जो एनजीओ यहाँ जो है वो अगर आप हजरात के साथ तामुल करें तो टैंक की तादाद ज़्यादा कर दी जाए। देखिए, अगर टैंक की तादाद या पानी की तादाद ज़्यादा की जाए तो उसके अपने मसाइल हैं। फिर सैनिटेशन के मसाइल पैदा हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उतना पानी फिर एब्जॉर्ब नहीं होता ग्राउंड में। तो ये जो टेक्निकली रिकमेंडेड है वो 15 लीटर है और उससे हम मतलब जितना ज़्यादा हो सके 22 लीटर तक दे सकते हैं, अभी दे रहे हैं। इससे ज़्यादा कर देंगे तो फिर सैनिटेशन के मसाइल पैदा हो जाएंगे। ये पानी जो जिस तरह मैं बात कर रहा था, इसकी क्लोरीनेशन और टेस्टिंग का सिस्टम भी है। इसको बाकायदा टेस्ट किया जाता है। हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो जहाँ पे कंज्यूमर पॉइंट है वहाँ से भी हम सैंपल ले लेते हैं। अभी तक 3-4 सालों में यहाँ पे कोई मतलब वाटर रिलेटेड कोई इमरजेंसी नहीं हुई। ये एक सबूत है इस बात का कि डिहाइड्रेशन का मसला नहीं। डिहाइड्रेशन का तो इस पानी के साथ कोई मसला नहीं है। क्वालिटी के साथ मैं अगर बात कर लूँ कि डायरियल या कोई दूसरी वबा अभी तक इसका आउटब्रेक नहीं हुआ, तो दिस इज़ अ साइन ऑफ सक्सेस। इसके अलावा जो सैनिटेशन में हम फैसिलिटीज़ दे देते हैं वो है ये टॉयलेट्स हैं। यहाँ पे अभी तकरीबन 3700 टॉयलेट्स बनाए गए हैं एडिफिस के लिए और इसको बाकायदा तरीके से मेंटेन किया जाता है। इसके साथ साथ जो है हाइजीन प्रमोशन के सेशंस हैं। हमारे लोग आते हैं, उनको सिखा देते हैं कि किस तरह आप पानी को हैंडल करें, क्योंकि पानी अगर साफ भी है और उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाता तो फिर मसाइल पड़ जाते हैं। इनको हम हाइजीन किट्स भी दे देते हैं, जो बकेट्स दे देते हैं उसमें ये साबुन और नाखून तराश वगैरह सारी चीज़ें। तो यूनिसेफ इसमें लगा हुआ है इंशाल्लाह कि बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन इकराम, अभी आपने सुना जो यूनिसेफ के नुमाइंदे हैं, पानी की किल्लत है, ये मौजूद है पानी यहाँ पर, टैंक के ज़रिए से प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन वो बता रहे हैं कि अगर ये पानी ज़्यादा कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में आसानी हो सकती है। सैनिटेशन के जो मसाइल हैं उसको भी हम हल कर सकते हैं। वो नीचे खुदाई करके जो है वो सीवरेज का भी इंतज़ाम हो सकता है। तो पानी बुनियादी ज़रूरत है। कुरान मजीद फरमाता है वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हाइश, और जैसा कि मैंने हुसैनी सबील के हवाले से अर्ज़ किया था कि यहाँ पर भी हम पानी मुहैया कर सकते हैं। आप हजरात एक टैंक जो है मुहैया करें तो इंशाल्लाह ताला ये इनके लिए पानी का जो मसला, और गर्मी का मौसम है तो पानी ज़रूरत है बुनियादी, तो मज़ीद हम इनको पानी मुहैया कर सकते हैं।
जाएंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब कुछ है, लेकिन एज ए इंसान होने के नाते अगर मैं आपसे पूछूं कोई ऐसी कमी है कि जिसको जी, सच अगर फैसिलिटीज तो है हमारे पास सारी, लेकिन अब अगर जैसे गर्मी है या सर्दी है उस पर हम कोशिश करते हैं कि टेंट्स में हम लोग कूलर लगा लें, या बस बिजली बहुत जाती है अगर बिजली इतनी ना जाए। जनरेटर जी बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे जनरेटर या सोलर एनर्जी के प्लांट लगा दिए जाए तो आप उससे खुश होंगे। जनरेटर हमारे पास ऑलरेडी है और सोलर एनर्जी प्लांट्स नहीं है, लेकिन हमें अभी यूनिसेफ जो है वो सोलर रेफ्रिजरेटर्स प्रोवाइड करेगा वैक्सीन के लिए। बिल्कुल वो इन द कमिंग वीक प्रोसेस उन्होंने कर लिया और हमें सिर्फ वो शिफ्ट करना बाकी है। अगर हम लोग मुहैया करना चाहें तो उस पर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मोस्ट वेलकम जी। जी नाज़रीन कराम आप जी आपकी कुछ जी एक्चुअली हमारे यहाँ पर जो है जलोजई कैंप में हेल्थ से रिलेटेड जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं उसमें एक तो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं जिसके लिए हमारे पास 6 हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हैं, और यहाँ पर MCH की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उसके लिए यहाँ पर 3 हेल्थ फैसिलिटीज़ काम कर रही हैं। अगर मैं आपको इनकी ब्रेकअप देना शुरू कर दूं तो 4 हेल्थ फैसिलिटीज़ मर्लिन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दे आर टेकिंग केयर ऑफ दैट थिंग प्राइमरी हेल्थ केयर में, और 2 जो हैं दे आर विद कैंप ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जिस सेंटर में अभी इस वक्त आप खड़े हैं दिस इज़ MCH सेंटर, और इस तरह की यहाँ पर 3 सेंटर्स हैं, तो इनमें से 2 हमारा सर्ड ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है और 1 मर्लिन चला रहा है। तो अगर आप यहाँ पर जब विज़िट करेंगे तो आपको यहाँ MCH से रिलेटेड मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और इसके बाद नेक्स्ट जो हेल्थ फैसिलिटीज़ में हम जाएंगे तो उस हेल्थ फैसिलिटी में आपको प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। आपने जो क्वेश्चन किया न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो न्यूट्रिशन का प्रोजेक्ट यूनिसेफ चला रहा है यहाँ पर, और हमारे जो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं मर्लिन की उसमें ये MCH की न्यूट्रिशन की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। और अगर आप कुछ वो सिस्टर जो बता रही थी कि वाकई जो टेंट है उसमें गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है और ये जो लगे हुए हैं मसलन कूलर हैं इनकी बजाय अगर एयर कंडीशन लग जाए, और वो भी लग सकते हैं, मैंने देखा है सऊदी अरब में गया तो वहाँ पर हज के मौका पर उन्होंने इसी तरह टेंट लगाए हुए हैं, लेकिन टेंटों में उन्होंने एयर कंडीशन फिक्स किए हुए हैं, तो यहाँ पर हम इनको एयर कंडीशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लाजिम बात अभी जून का महीना है, आगे जुलाई है, तो अगर इस तरह के एयर कंडीशन या सोलर प्लांट, बिजली का तो पूरे पाकिस्तान में मसला है, तो उसको हल करने के लिए जनरेटर और सोलर प्लांट जो है इस हवाले से आपने कुछ किया या कोई हम तामून अगर करना चाहे तो आप... इसमें अगर कोई भी आगे आना चाहता है और किसी किस्म की हेल्प प्रोवाइड करना चाहता है, चूंकि हम तो हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं तो हम हेल्थ से रिलेटेड बात करेंगे। हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ में अगर अभी आप विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कूलर्स लगाए हुए हैं, और ये कूलर्स चल रहे हैं यहाँ पर जनरेटर से, इसलिए कि यहाँ पर बिजली का जिस तरह का मसला सारे मुल्क में है यहाँ पर बिजली थी ही नहीं। कुछ दिनों पहले हमारे चीफ जस्टिस जो हैं पिशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने ऑर्डर दिया था, तो उसके बाद सारे टेंट्स में एक एक वो पंखे लगा दिए गए हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल PDMA को इस बारे में किसी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत हो टेंट्स में लोगों के लिए लगाने के लिए, तो आप उनको वो पंखे प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें डेफिनेटली आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इसलिए कि उनको थाउजेंड्स ऑफ पंखे फैंस। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पर AC या सोलर वाला सिस्टम लगा सकते हैं, तो मैं कहता हूँ कि अगर हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ में ये लग जाता है तो इट विल बी वेरी सो नाइस ऑफ यू पीपल, अगर आप उस चीज़ को कर सकते हैं यू आर मोस्ट वेलकम। जी नाज़रीन कराम अभी आपने हमारे भाई की गुफ्तगु समाप्त की, ये यूनिसेफ के नुमाइंदे हैं यहाँ काम करते हैं। नाज़रीन कराम अभी आपने हमारे भाई साहब की गुफ्तगु सुनी, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ आप काम करते हैं, तो इन में गर्मी की शिद्दत है और अगर यहाँ पर हम एयर कंडीशन प्रोवाइड कर दें, सोलर प्लांट प्रोवाइड कर दें, जो हॉस्पिटल है शहरों में है तो वहाँ पर तो AC का इंतज़ाम होता है, गर्मी की शिद्दत है, मासूम बच्चे नन्हे बच्चे जब पैदा होते हैं तो गर्मी की शिद्दत होती है, तो इसलिए आप हजरात को दावत दे रहा हूँ कि इस जलोजई के कैंप में आप हजरात के तआवुन की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि आज आपको इस टेंट और इस जगह पर खड़े होकर मैं दावत दे रहा हूँ कि आगे बढ़िए और इस काम में अपना हिस्सा ज़रूर डालिएगा।
सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर रूरल डेवलपमेंट में काम कर रही हूँ एज अ चाइल्ड प्रोटेक्शन मैनेजर। 2009 से हमारा ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ यूनिसेफ के साथ। ये यूनिसेफ फंडेड प्रोजेक्ट है। सूरत हाल ये है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है वो मोस्टली काम कर रहा है कि बच्चों को हमने यहाँ पर प्लेसेस जो है बच्चों के लिए इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें बच्चों के लिए मुख्तलिफ किस्म की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, हम उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग के लिए उनको मुख्तलिफ एडोलेसेंस को सेशन देते हैं, वुमेन के साथ हमारे सेशन होते हैं मुख्तलिफ पेरेंटिंग स्किल्स पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, हेल्थ हाइजीन पे और बहुत सारे ऐसे सेशन जहाँ पर ख़वातीन, बच्चों और लड़कियों को अवेयरनेस नहीं है तो हम अवेयरनेस उनकी रेस करें। जहाँ तक सामान का ताल्लुक है तो थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की जो वल्नरेबल चिल्ड्रन हैं उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करें। तो हमने बहुत हद तक नीड्स को आइडेंटिफाई भी किया है और उसी नीड के बेस पे जैसे इस दफ़ा हमने बच्चों के लिए चप्पल लिए हैं जो वल्नरेबल वो हैं। हम सब तक तो नहीं पहुँच सकते लेकिन अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि बजट के अंदर रहते हुए हम जो वल्नरेबल चिल्ड्रन हैं उनको हमने चप्पल प्रोवाइड की। इससे पहले हमने बहुत सारे बच्चों को व्हील चेयर्स दिए हैं, इसके साथ साथ हमने हेल्थ हाइजीन किट्स इनको दिए हैं। तो हम जो है जितना भी देखते हैं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों की नीड्स को मद्देनजर रखते हुए। जहाँ तक कपड़ों का ताल्लुक है तो बहुत हद तक यूनिसेफ ने मुख्तलिफ औकात में जहाँ देखा है कि बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं तो कपड़े भी प्रोवाइड किए हैं, शूज़ भी प्रोवाइड किए हैं इसके साथ साथ, बिल्कुल। लेकिन अब बच्चों की तादाद है तो उस हद तक हम उसको नहीं पहुंच सकते, लेकिन पूरी कोशिश हमारी जारी है कि हम अगर खुद नहीं कर सकते तो और ऑर्गेनाइजेशन तक वही बात पहुंचाते हैं और उनके ज़रिए हम बहुत सारे मसाइल को रिजॉल्व करते हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों को साइको सोशल सपोर्ट, वुमेन को साइको सोशल सपोर्ट की जहाँ पर ज़रूरत है, हम देखते हैं कि साइको सोशल इशूज़ हैं तो हम उसको भी रिजॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। हमारी बहन ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बातें की। आखिर में ये पैगाम दूंगा कि ये बच्चे इस वक्त मेरे साथ हैं, पाँव में चप्पल है लेकिन इससे मज़ीद बेहतर जूते इनको फरहम किए जा सकते हैं। आगे सर्दियों का मौसम भी आना है तो बूट्स इनके लिए चाहिए और बांध जूते चाहिए। और फिर इसी तरह से ये कपड़े आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ मेरे नाज़रीन जो इस वक्त सुन रहे हैं और पूरा यूरोप इस वक्त मुझे सुन रहा है, आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि आप इस कपड़े पहनाने की मुहिम में, और इस मुहिम क्या कहूँगा, ये एक सदका जारिया है, नेकी का काम है, और आगे बढ़िए। और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में बच्चे रह रहे हैं जिनके घर उजड़ चुके हैं, वो घर जहाँ पर ये रहा करते थे वहाँ से मुहाजिर बन के यहाँ पर ठहरे हुए हैं। यूनिसेफ ने बहुत बड़ा काम किया है, इनको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, मेडिसन्स प्रोवाइड की हैं, लेकिन प्लेसेस भी प्रोवाइड किए हैं। लेकिन ये एक काम जो कपड़ों वाला है, मैं चाहूँगा कि इसमें आप हजरात यूरोप पूरा
सुन रहा है, तो मामूली सी आपके लिए ये मसला इतना नहीं है। तो इंशाल्लाह ये हज़ारों की तादाद में बच्चों के कपड़े इंशाल्लाह हम वहाँ से सिलवाएंगे, यहाँ भिजवाएंगे, या यहाँ पर किसी से बात करके एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे एक फैक्ट्री भी लग सकती है ताकि हम उसमें कपड़े सिला कर जो है इन बच्चों को पहना दिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। हाजिर हूँ, या आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर फैमिलीज़ की रजिस्ट्रेशन हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 61,380 फैमिलीज़ जो हैं इस वक्त रजिस्टर हो चुकी हैं, और उसमें जो इंडिविजुअल हैं यानी इनफरादी तौर पर जो हजरात हैं वो आप देख रहे हैं कि तकरीबन 2,00,000 हैं, 67,000 हैं और 616 यानी इतने अफराद यहाँ पर आप 2,00,000 और तकरीबन 2,50,000 से ज़्यादा अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ इस कैंप में मौजूद हैं। 61,000 जो है वो फैमिली, 61,380 फैमिली जो है यहाँ पर जो है वो फैमिली यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस हवाले से आप देख रहे हैं कि ये एक क्राइसिस का एक मसला है, तो आप हजरात का तआवुन यहाँ पर होगा तो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी आ जाएगी।
मस्जिद है सामने जो है कि मस्जिद है अभी तक ऐसा इधर जो उसने मस्जिद मुकम्मल नहीं बनाया अभी तक और उधर मौलाना अभी मस्जिद बनी नहीं अभी शुरू है 16 मस्जिदों का क्या है और क्या हम इनकी कोई मदद कर सकते हैं या बेहतर टेंट दे सकते हैं तो आइए मैं अंदर चलता हूं बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर चलो نو ایت سو واس و داس تمام نشتا دی چې شای وکو وو یا ادی دی سی کی تاسو ته هسپتال څنګه سیستم دی هسپتال لا چلور شو اگر لاوه کی دا غو پورچر ناول کی او 15 ګولټ یو یو سالور ګولټ یو کی ونور وای شي تاسو ته بنو بس نور نشتا دی اور سکول څنګه نظام دی دغه زه کی و سکول لا مشمون لور شي خونه کاپیونه ور کړی دی ونه کتابونه ور کړی دی ونه نور بنو بس چای ور کړی او خولي بس خوشی ور کی چی ورتی کول کی استادان شتا ای استوزونم کې شته استوزونم می خو څه ور کړی نه دی څنګه څنګه دې ور کړی کتابونه ور کړی دي کاپیانه شایم نه ور کړی نه مو مشمون درومي خو یو شایم لا نه ور کړی سوره واخ واشه ستا ما شومان لاړ دی دایوا تا کیږي اور سکوم دې نور ما شومان دی اغه ته ور کړی شوی نه دی ور کړی
ایوای با کپیون نه یه مشمون نه لایر کردی ایوای با کپیون نور یه شایم نه لایر کرد. नॉर्मली इस जो हमारी इस माँ ने जवाब दिए वो कहती हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर हमें पानी का मसला है, पानी यहाँ पर मौजूद है लेकिन लिमिटेड फॉर्म में है। जो हमारे पास टैंक्स हैं वो ज़रा दूर पड़ते हैं यहाँ से, उनकी नलकी टूटी हुई हैं और यहाँ के वॉशरूम्स जो हैं उनका सिस्टम थोड़ा ख़राब है। स्कूल यहाँ पर करीब ही मौजूद है, हॉस्पिटल्स भी हैं, लेकिन स्कूल में हमारे बच्चे पिछले एक हफ्ते से जा रहे हैं जिनको अभी तक वो फैसिलिटेशन नहीं दी गई जो स्कूल में दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल इनकी बुक्स, कॉपीज़ और बाकी स्टेशनरी जो हैं। और हॉस्पिटल जो है वहाँ पर डॉक्टर्स भी हैं, आती भी हैं और इनका इलाज होता है, लेकिन वो प्रॉपर जो इलाज के लिए हैं वो यहाँ पर ठीक नहीं हो पाते। दिखे में किसो न गसान उसीगी बाहर समलो बाहर जमीन पर ये सोते हैं। इंसान किस कर्ब की ज़िंदगी गुजार रहा है और ये हमारी माएँ बहनें बेटियां देखिए, पूरा सामान आप देखिए कि ये यहाँ पे खाना इनका पकता है, ये कूलर है और साथ बर्तन देखिए, और यहाँ पर ही इनका गुजर औकात होता है और यहीं पर बच्चे और जो है वो लेटते हैं, काम वगैरह यहाँ पर होता है। और फिर आप देखिए, मैंने कपड़ों की बात की थी, इस वक्त आप इन बच्चों के कपड़ों की हालत देखिए और इनकी सब्जी है, खाना है। तो ये इतनी इसी जगह पे ये टेंट है, लेकिन गर्मी की शिद्दत में चूँकि ये ऊपर है, कुछ हवा आ रही है, लेकिन आपको टेंट दिखाता हूँ कि ये टेंट क्या है। तो आज मैं लाला के नाम आपने सदका जारिया करना है, तो लाखों माहौल में आप बड़े हैं, परवान चढ़े हैं, अपने घरों को भी देखिए, बेडरूम्स को भी देखिए और आइए जो आज़ाद है जिसको अल्लाह पाक ने पैदा किया, उनकी हालत देखिए। रब्बुल आलमीन ने ये निज़ाम नहीं बनाया, ये इंसान का बनाया हुआ निज़ाम है। आइए देखने इसकी चादर आप देख लीजिए, और फिर अंदर का मामला आप देखिए। इस वक्त इंतहाई गर्मी की शिद्दत है, जितनी बाहर गर्मी थी उससे ज्यादा अंदर गर्मी है। यहाँ पर इनका दिन गुजारना आप देख लीजिए, कितनी मुश्किलात हैं, कोई चटाई नहीं है। अक़्वामे मुत्तहिदा ने भी यहाँ पर काम किया, दीगर हैं कि आपको आंखों से दिखाऊं कि इस वक्त हालत क्या है। मुझे बताया गया कि इससे आला किस्म का टेंट हम मुहैया कर सकते हैं, और वो मैं सैंपल के तौर पे दिखाता हूं। वो 250 पाउंड से एक टेंट आ सकता है। अभी बच्चे ने हाथ लगाया, मैं भी लगा रहा हूँ, इंतहाई गर्म है और इस बच्चे ने जो है इसको छोड़ दिया। और तो ये बच्चे जो है आप देखिए, इनका पसीना, ये छोटा बच्चा है, इसको पसीना भी आया हुआ है। और इस हवाले से ये छोटा बच्चा आप देखिए, ये छोटा सा बच्चा, इस पे कैमरा लगाइएगा, तो इनकी हालत आप देखिए, ये किस तरह से जो है, ये बच्चे इनकी हालत है और ये किस तरह गर्मी के अंदर जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हम इनको आला किस्म का जो है वो टेंट जो है वो मुहैया कर सकते। और इस आंधी की वजह से ये टेंट उखड़ जाते हैं। अच्छे किस्म के टेंट चाहिए
और 30,000 पाकिस्तानी रुपया हो तो एक अच्छी क्वालिटी का टेंट इनको मुहैया किया जा सकता है। तो आप ज़रा 30,000 रुपये को अगर पाउंड्स में कन्वर्ट करें तो कितने बनेंगे वो ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप हज़रात जिनको अल्लाह पाक ने दिया है 5 टेंट्स, 1 टेंट, जितनी तौफीक दी अल्लाह पाक ने, 5 तन पाक के नाम पे अल्लाह ताला की निस्बत से आप हज़रात ये पेश कर सकते हैं। यह मैं आपको दावत दे रहा हूँ कि आगे बढ़िए और इन भाइयों की मुसीबत में शरीक हो और अल्लाह ताला आपको इससे बढ़ के मज़ीद अता फरमाएगा। तस्वीर भी ले लो ना साथ, तस्वीर क्या नाम उनका जी डर कह रहे हैं कि ऊपर स्ट्रक्चर है वो कौन सा छत गर्मी नहीं है वो जो ग्रीन कलर का लगा रहे हैं ग्रीन वाला भी और वो तो मतलब नहीं है अब तो किसी ने इन लोगों ने मौसम की शिद्दत से बचने के लिए खुद ही एक अच्छे मिट्टी के कमरे बनाए हुए हैं शेल्टर से बनाए हुए हैं वो आगे वो स्टेशन रूम में पूरे पूरा सुलेख करा चल गया सर हां एक तरह वही स्ट्रक्चर मैंने आपको नहीं बताया वो स्ट्रक्चर चाहिए ना या उधर आगे इसके साथ की दीवार बेशक ना भी हो क्योंकि ये पर्दावाल तो है ना ये पर्दा ठीक है तो ये चीज अगर ये दीवार समेत हो जाए तो भी बेहतर है अगर नहीं तो खाली छत तो खाना खुद पकाते हैं तो इनको कौन राशन वगैरह कौन प्रोवाइड अच्छा खाना दे रहा है वो इनका किचन है चावल दाल आटा चीनी ये डब्ल्यूपी प्रोवाइड करता है। अच्छा चले नाज़रीन कराम ये जो है इस तरह के यहाँ पर चूँकि मुझे बताया गया परमानेंट कंक्रीट के हम या ईंटों के मकानात यहाँ नहीं बना सकते गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही चूँकि ये आर्जी तौर पे यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन ये जो टेंट है इसमें इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी है कि वहाँ रहना मुमकिन नहीं लेकिन इस तरह की जो छत है ये जो हम यहाँ पर बना सकते हैं और इससे भी अलग किस्म का मटेरियल छत पर लगाया जा सकता है और ताकि ये गर्मी से बच जाए यहाँ कदरे ठंडक है वहाँ की निस्बत गर्मी की शिद्दत यहाँ पे कम है तो इस तरह के शेल्टर जो है जो गर्मी को प्रोटेक्ट कर सकें गर्मी से महफूज रख सकें वो हम इनके लिए बनवा सकते हैं इंशाल्लाह। चले भाई ये पीछे एक और है वो भी देख लेते हैं वो दीवार के जी हज़रत कराम ये गवर्नमेंट ने ये मुहैया नहीं देता ये लोग अपनी मदद आपके साथ यहाँ बांस लेके और उस तरह जो है वो छत डाल के यहाँ गर्मी नहीं है यहाँ गर्मी की शिद्दत कम है और इस तरह की छत जो है ये बना सकते हैं ताकि हवा भी साइड से आती है। टेंट में इंतहाई घुटन है और इंतहाई गर्मी है लेकिन यहाँ पर आप देखिए कदरे कम गर्मी है हवा भी आ रही है लेकिन ये आसान अंदाज में हम इसको बना सकते हैं मज़ीद बेहतर अंदाज में तो मैं चाहूँगा कि इस तरह के शेल्टर टेम्परेरी हम इनको बना के दे सकते हैं। तकरीबन फी जो घर है उसके लिए 200 पाउंड पेश किया जाए तो ये इस तरह के हम कुछ छोटे छोटे कमरे और छप्पर टाइप इनके लिए तामीर किए जा सकते हैं। आपको दावत दे रहा हूँ जल्लोज़ई कैंप में आज मैं यहाँ पर स्पेशल इनकी मदद के लिए आया हूँ और आपकी दावत आपको दावत देने के लिए अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाल्लाह ये मिसबा भी कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया दावत।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, आपको मैंने टेंट दिखाए जिनमें ये रिफ्यूजीज और अनागुजीन रह रहे हैं। केयर एंड रिलीफ फाउंडेशन के ज़ेर तमाम जो प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ और जिसमें अल्लाह ताला के फजल करम से आयतुल पाक की नस्बत से अहले बैत अतहार की नस्बत से करबला वालों की नस्बत से आपको दावत दे रहा हूँ कि बतौर सैंपल अगर हम उन घर वालों को इस तरह से छत मुहैया कर दें। ये देखें कि आप ये गरीब चादर है और गरीब चादर की वजह से धूप की शिद्दत में कमी आती है और साइड से आप देखते हैं कि ये हवा भी आ रही है। ये ऊपर ग्रीन चादर है उसकी वजह से यहाँ गर्मी की शिद्दत कम है क्योंकि दाएं बाएं आगे पीछे से यहाँ पर हवा आ रही है। ये ऑफिशियल्स के लिए इन्होंने बनाया है लेकिन मैंने बात की है कि क्यों ना हम इस तरह की छत यहाँ मुहैया कर दें, 100 को 200 को 500 को 1000 को। यहाँ पर फैमिलियाँ हज़ारों की तादाद में, लेकिन कुछ ना कुछ फैमिलीज़ को हम मुहैया कर सकते हैं। अगर यूरोप वाले आगे बढ़ें और आप हजरात पाइंतन पाक के नाम पे 5 घरों को छत मुहैया कर दें, इस तरह की छत दे दें ताकि गर्मी की शिद्दत से बच जाए। आगे माह रमज़ान आ रहा है और यहाँ माह रमज़ान मुबारक में भी गर्मी होगी। तो एक सैंपल के तौर पर ये मैंने छत दिखाई है, लेकिन एक और छत आपको दिखाता हूँ। मेरा जो है वो अंदाज़ा ये है कि ये छत जो है सिर्फ सब्ज जो है वो चादर है, इसके साथ हम बांस और वो छत दे दें उससे ज़्यादा जो है वो ठंडक होगी और गर्मी की शिद्दत से बचे रहेंगे। माह रमज़ान आ रहा है, उसमें असर अंदाज में ये बेचारे गरीब तंग दस्त मोहताज रोज़ा रख सकेंगे। आइए अल्लाह के नाम पे आपको दावत दे रहा हूँ, आगे बढ़िए और इन गरीबों की मदद कीजिए। अब वो आ जाए और चल कर यहीं से लेना है और वो छत अभी नजर आएगी आपको, वो छत यहाँ से नजर दूर आगे जाओगे नजर नहीं आएगी। ठीक है इस ब्रेक कर लो। मैं अब वो सैंपल आपको दिखाने जा रहा हूँ जो मेरी ख्वाहिश है और मैंने सर्वे किया और ऑफिशियल से मैंने बात की। वो कह रहे हैं कि हमारे पास फंड्स की कमी है, अगर फंड्स मुहैया किए जाए तो यहाँ पर हम इन पनाह गुजीनों को इस तरह की छत प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पर नाज़रीन कराम गर्मी की शिद्दत बहुत कम हो जाएगी। अभी मैं उन टेंटों में गया, इंतहा दर्जे की गर्मी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ले जाता हूँ और अभी आप देख रहे हैं कि ये छत के ऊपर सब्ज़ जो है वो कपड़ा है, सब्ज़ शीट है, नीचे बांस है और उसके ऊपर जो है वो ख़ास किस्म की छत बनाई गई है। यहाँ पर जो UNO के ऑफिशियल्स हैं वो ये छत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो आवाम है जो बेचारे गरीब हैं तंग दस्त है मोहताज हैं उनको इस तरह की छत मुहैया नहीं है। ये छत UNO के ऑफिशियल्स इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये छत आवाम और पनाह गुजीन अफराद को मुयस्सर नहीं है। मैं आपको दावत देने जा रहा हूँ कि हम बतौर सैंपल इनको ये छत मुहैया कर दें और इसके लिए अगर एक घराना जिसमें 5, 7, 10 मेंबर्स हैं
उसके लिए मुझे बताया गया कि 30 से 40 हज़ार रुपया पाकिस्तानी हो तो हम एक छत मुहैया कर सकते हैं जो गर्मी की शिद्दत को कम कर सकती है। माह रमज़ान की आमद आमद है, रोज़े आप जानते हैं गर्मियों में आ रहे हैं, दिन बड़े तवील हैं पाकिस्तान के रहने वालों के लिए और ख़ास तौर पर इन पनाह गुज़ीनों के लिए। माह रमज़ान में कितनी मुश्किलात हो, पानी नहीं मिल रहा, पानी की शिद्दत होगी, नहाने के लिए पानी नहीं है और ऊपर से सूरज की गर्मी और तपिश होगी तो रोज़ेदारों का क्या हाल होगा। आज की मैं अपील आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि रोज़े आ रहे हैं, माह रमज़ान है तो क्यों ना माह रमज़ान से पहले पहले हम हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो है वो छत मुहैया कर सकते हैं। तो मैंने अभी जो पूछा तो 250 पाउंड अगर आप पेश करें, फिर सुन लीजिए, पैतल पाक के नाम पर, अहले बैत अतहार के नाम पर, अल्लाह ताला की मोहब्बत में और रोज़ेदार के लिए आपने छत मुहैया करनी है ताकि वो गर्मी की शिद्दत से बच सके। नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे हैं, उनको भी गर्मी से बचाया जाए। इस तरह की छत पर खर्चा जो है तकरीबन 250 पाउंड एक घर की तामीर और छत मुहैया करने के लिए आप हजरात से दरख्वास्त है। अब देखता हूँ कितने लोग हैं जो पैंतन पाक के नाम पर आगे बढ़ते हैं और अपने एहतियात पेश करते हैं। ये आप देख लीजिएगा, ये छत है और इसमें बांस भी है लेकिन वहाँ टेंट की निस्बत यहाँ पर गर्मी की शिद्दत कम है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर ये जो ग्रीन कपड़ा है, ग्रीन शीट तो वो आपको नज़र आ रही है लेकिन ग्रीन शीट ऊपर है, इस ग्रीन शीट ने सूरज की गर्मी को कम कर दिया है। और उसके बाद आप देखिएगा ये नीचे मास्क लगाए और ऊपर फिर एक चादर डाली गई है और यहाँ पर काने वगैरह लगाए गए हैं। लेकिन फिर अर्ज़ करता हूँ कि ये ऑफिशियल्स के लिए, ऑफिशियल्स जो हैं जो यूएनओ के मुलाजमीन हैं, जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए छत मुहैया की गई है लेकिन जो आम रिफ्यूजीज़ हैं, जो पनागुजीन हैं उनके लिए छत नहीं है। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। आखिरी पैगाम ये दे रहा हूँ अल्लाह ताला के नाम पर, अहले बैत अतहार की मोहब्बत में, जैसे आपने पानी पिलाया है, आइए इस गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए हुसैन पाक के नाम पर एक घर को छत मुहैया कर दीजिएगा। सिर्फ 250 पाउंड खर्चा आएगा और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में फैमिली हैं। एक फैमिली को छत दें, 5 फैमिलीज़ को छत दें, 10 फैमिलीज़ को छत दें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में कमी नहीं आने देगा। माह रमज़ान से पहले पहले आप छत मुहैया कर दीजिए ताकि उधर रमज़ान शरीफ का चाँद नज़र आए, यहाँ कैंपों वाले रोज़ा रखें और छत आप हज़रात प्रोवाइड कर दें। फिर माह रमज़ान में देखिएगा नाज़रीन इकराम, नफल पढ़ेंगे फ़र्ज़ का सवाब होगा, फ़र्ज़ पढ़ेंगे 70 फ़र्ज़ों का सवाब होगा, सवाब भी बढ़ जाएगा। तो मेरे पास टाइम थोड़ा है, फ़ंड आप दीजिए या हमारे ये हबीब साहब हैं इस वक्त मेरे साथ हैं और हमारे तैमूर साहब हैं यहाँ पर ये काम करते हैं, या इनका ताल्लुक भी पख्तूनख्वा इस इलाके से, नौशहरा से है, पेशावर से है और ये पख्तून बेल्ट को जानने वाले हैं, इनके पास यहाँ पर सहूलियात भी हैं। और मैं आखिरी जुमला इनसे हबीब साहब से गुजारिश करूँगा, हबीब साहब अगर यूरोप वाले फंड्स मुहैया कर दें, अभी रजब का महीना है, मैं वापस जा रहा हूँ और शाबान में अगर आपको फंड्स मुहैया करते चले जाएं तो क्या मुमकिन है कि रमज़ान शरीफ से पहले पहले कुछ घरों को हम ये छत मुहैया कर सकें? बिल्कुल इंशाल्लाह, ये टोटल प्रोजेक्ट 45 डेज का है जिसमें हम 500 से लेकर 1000 तक फैमिलीज़ को दे सकते हैं और अगर हम अफराद को बढ़ा दिया जाए और रिसोर्सेज हो तो कोई वजह नहीं है कि हम 2-3 हज़ार शेल्टर भी बना सकते हैं 45 डेज में, क्योंकि एक टेंट के लिए और 1000 टेंट के लिए आपने एक ही फैक्ट्री को और उसको मोबालाइज करना है। आपने मियां हबीब साहब की बात भी सुन ली है कि यहाँ पर ये काम हो सकता है। अब मैं इंतज़ार में हूँ कितने लोग हैं जो आज की अपील में मेरे साथ तआवुन करते हैं, अपनी एहतियात पेश करते हैं और जो ही आपके एहतियात आते जाएं हम यहाँ पर भेजते चले जाएं। ये हमारे भाई, इनका ताल्लुक है या बिरादरी है, इनके जो है वो ताल्लुक वाले दोस्त अहबाब हैं, रज़ाकार हैं, वॉलंटियर्स, इंशाल्लाह या ताला ये काम करते जाएंगे, सवाब आपको भी मुझे भी पहुँचता जाएगा। मेरे आने का यह मकसद पूरा होगा, मेरा रब भी खुश होगा, मेरे मौला का प्यारा हबीब, हमारा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी खुश होंगे, करबला वाले भी खुश होंगे। आइए आगे बढ़िए और मैं आपकी कॉल्स का इंतज़ार कर रहा हूँ।
सारी जो यहाँ टेंट है ये सारे तिब्बत की इंतहाई निचली हालत है। हम रोजाना इसकी सिलाई करते फिर बांट जाते हैं। तो इनको हम ये टेंट हैं, गर्मी की शिद्दत है, माह रमज़ान मुबारक से पहले इन टेंटों के ज़रिया से हम छत मुहैया कर सकते हैं। ये हम भाई साहब से भी पूछते हैं कि इनका मसाल कुछ कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं यहाँ फेस फोर इस स्कीम में मैं यहाँ शोरा का मेम्बर की हैसियत से बात कर रहा हूँ सर। और हमारा ये टेंट से रोज़ाना इतनी तेज़ हवा चलती है यहाँ पे कि ये जगह तेज़ हवा की नाम पे मशहूर है। और हमारे ये टेंट से ये रोज़ाना पार जाते हैं सर, यह सब आपके सामने आप देख रहे हैं, रोज़ाना ये पार जाते हैं हवा की वजह से। और हम दोबारा इसकी सिलाई करते हैं, दोबारा इसको ठीक करते हैं। और जब रात को हवा जाए तो हम फिर खुले मैदान में रात गुजारते हैं सर। सर्दियों में तो वो हाल होता है कि जब बारान हो जाता है